भाजपा के तीन भाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। आज का जो आरोप पत्र है, आप लोग इसमें 5 साल से लगातार कई चीजें रिपोर्ट करते आए हैं, बिना किसी डर के यहाँ के पत्रकार लिखते आए, छापते आए, टीवी पर बताते आए, और हिमाचल की जनता भी देखती आई कि क्या हो रहा है, कैसे पेपर लीक होते हैं, कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जाते हैं, ब्रेड जो कि हर घर के लिए आवश्यक वस्तु है, कैसे 25 रुपए की ब्रेड 45 रुपए हो जाती है, पेट्रोल डीजल हर चीज, बेरोजगारी, और जो वादे थे बेरोजगारी, वो जो आरोप पत्र हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आप लोगों से तो आपको सब हर आरोप से वाकिफ है, और सबसे शुरुआत जो आरोपों की होती है, आप इनका घोषणा पत्र पिछले चुनाव का उठा के देखें, 10 प्रमुख बिंदु थे, एक बिंदु बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया। अगर इनके जुमलों पर और इनके घोटालों पर जीएसटी लगा दें तो हिमाचल पर जो 72,000 करोड़ का लोन हो गया ना, वो उतर जाए, सिर्फ उस पर जीएसटी लगा दे, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये जुमले देते हैं, और जो घोटाले हो गए, अब पेपर लीक नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, पुलिस का इंतजाम हो, और कोई इंतजाम, पेपर लीक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं इस देश में आपस में प्रतियोगिता होती है, गुजरात में 22 पेपर लीक हुए पिछले 8 साल। मैं अभी मुकेश भाई से नीचे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा यहां भी वही स्थिति। तो जो सरकार देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बिल्कुल ना शर्माए, और फिर उसके बाद भी वोट मांगने फिर आ जाए, आप बताइए ऐसी सरकार को कोई माफ करेगा? ये जो आरोप पत्र है, हमारा हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, महिलाओं से, उद्यमियों से, उनसे, बागान के किसानों से वादा है, इन आरोपों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बिना किसी लाग लपेट के किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन मान लीजिए, वादा मान लीजिए, वचन मान लीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दोनों भाइयों को भी जाना है रैली से, मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे की बात हो पाए। मुख्यमंत्री हुए, किसी ने किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे हम दर्ज किए गए। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया, और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 225 लोग पेपर खरीदने वाले जेब की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो है 4-4 लाख रुपए में बिके, FIR हुई, FIR से कोई काम नहीं हुआ, चहेतों को नौकरियां दी गई, मैरिट का गला घोटा गया, और प्रदेश के लगभग 14 लाख बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है।
और अपने लोगों को सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भी अलग कमरों में पर्चे दिलवाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है के माध्यम से भर्तियां हुई नहीं, अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को नौकरियों पे रख दिया गया। और हमने फैसला किया है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेम हुआ है, धोखा हुआ है, हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। गैर हिमाचलियों को नौकरियां दी गई, सारे जेईस जो है बाहर से भर दिए गए, दो हलकों में नौकरियां दी गई और उन हलकों में जो है बिना कायदे कानून से अभी आईपीएच के ड्राइवर लगाए गए। एक्सएम की भर्ती दो हलकों से 45 ड्राइवर लगा दिए। ये सारा जो लूट का खेल था भर्तियों के मसले में, बहुत बड़ा आक्रोश है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की भर्ती 2020 में भी पर्चा लीक हुआ, पुलिस की भर्ती 2022 में भी पर्चा लीक हुआ, पटवारियों की भर्तियों में हेराफेरी हुई। और पिछले 6 महीने में तो जिस कदर लोगों को सरकारी सेक्टर में रखा जाता है, ऐसे तो लाले की दुकान में भी नहीं रखा गया। और बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के लोगों को भरने का काम किया है। इसलिए हमने फैसला किया है जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। सारे फैसले जयराम सत्ता हमारी बननी निश्चित है, सरकार हमारी बननी निश्चित है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया हुआ है और इस सरकार की पतन की दास्तां प्रदेश के बेरोजगार लिखेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। और इसलिए बड़े पैमाने पे जो बंगलिंग हुई है, आपको मालूम है चौटाला जो है 10 साल जेल में लगा के आए हैं, लेकिन इस प्रदेश में उससे कहीं बड़े लेवल की भर्तियों में गड़बड़ हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना इस राज में हुआ है। और दूसरा भर्तियों के बाद दूसरा अहम मसला है आईपीएच का जो पाइप का घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप खरीदी गई, अगले 10 साल तक वो पाइपें जो है प्रदेश में जगह जगह फेंकी हुई है। अगले 10 साल तक का जो खरीद है वो कर दी गई यहाँ पे, और ना उसकी गुणवत्ता है, ना उसको जो है डिमांड थी। और करोड़ों रुपए का घोटाला जो है आईपीएच की पाइप घोटाले में हुआ है, पाइप खरीद में हुआ है। और प्रदेश में जैसे ही सत्ता बदलती है इस पाइप घोटाले की भी जांच जो है होगी, और जो लोग इसकी खरीद में शामिल हैं उनको जो है पूरे लॉजिकल एंड तक जांच ले जाके उनको जो है दंडित किया जाएगा। क्योंकि ये सरकार का पैसा है, सरकार के पैसे के साथ आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में खिलवाड़ नहीं हुआ। थर्डली, हिमाचल प्रदेश में जो रैलियां की गई, हिमाचल प्रदेश में लगभग इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलता था। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, पीछे 125 रैलियां की गई, 75 रैलियां तो अमृत महोत्सव के नाम पे की गई। और इन रैलियों में भीड़ लाने का जिम्मा भी अफसरों का था, कर्मचारियों का था, फूल लाने का जिम्मा भी, बैंड लाने का जिम्मा भी, टेंट लगाने का जिम्मा भी। 25-25, 30-30 लाख रुपया के टैंक लगा दिए गए, 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है। और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया। और
कुछ समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे अभी करोड़ों के बिल जो है डेप्टी कमिश्नर्स के पेंडिंग है हर तरफ से, और ये जो 500 करोड़ रुपए की रैलियां हिमाचल प्रदेश में की गई जिसमें 18-18 करोड़ रुपए के भी टैंक लगे, जिसमें 25-25, 35-35 लाख रुपए के टैंक तो हर जगह लगाए गए, ये जो बिल है सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा, ये ऐसा दोहन जो है रिसोर्सेज को इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। और फोर्थली हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 72-74 हजार करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया, हर चौथे दिन कर्जे लेते रहे, 9 दफा प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला के एक भी बार उनसे कोई मांग नहीं मनवा सके, और झूठ और ढांसे की सरकार थी ये, लगातार झूठ बोला गया और लगातार लोन लिया जाता रहा, और अंततः हिमाचल प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उतना अकेले जयराम जी ने लिया। तो ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा, और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4-4 हेलीकॉप्टर खरीदिए पटे पे ले लिए, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलिशान गाड़ियां खरीद ली, और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, फिजूल खर्ची के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसे बहुत मामले हैं जगह जगह जो कि, और सबसे बड़ा कि माफिया, जितने बड़े पैमाने पे माफिया ने, माफिया की ये सरकार थी जिन्होंने प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके जेबें भरी, प्रदेश सरकार को कहीं भी कोई रॉयल्टी नहीं आई, ना रेत से कोई रॉयल्टी आई, ना बजरी से कोई रॉयल्टी आई, ना शराब के ठेके पिछले 5 साल से नीलाम नहीं किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर को हुआ है, या इसी ढंग से पेड़ों के कटान हुए, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हर तरफ जो है जो प्रदेश इवन जो कबाड़ भी था प्रदेश में वो भी जो है ये सरकार निकल गई। तो कुल मिला के इस ढंग से शासन चलाया गया जिससे कि प्रदेश में जो है संसाधनों की लूट हुई, पैसे की बर्बादी हुई, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों से हुआ उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का, और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि चार्जशीट में दायर किए गए हैं उन सब में जांच बिठाई जाएगी, और प्रदेश के जो जयराम जी के आसपास की जो कोटरी है, जयराम जी के आसपास के जो लोग थे, जो मंत्री जो जयराम जी के नजदीक थे, जो चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो वाइस चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो एडवाइजर उनके नजदीक थे, इन सब ने एक लूट की एक बहुत बड़ी दास्तान हिमाचल प्रदेश में लिखी है। सबसे भ्रष्ट लोग वो कोटरी है जो कि जयराम जी के इर्द गिर्द 5 साल बढ़ाती रही, इसीलिए अंतिम मौके पे मंत्रियों के टिकटे बदल रहे हैं, उनके हल्के बदल रहे हैं, और यही लोग सब लोग शामिल थे। तो मुझे आगे कंक्लेव में जाना है, मैं अपना माइक जो है अपने साथी सुखविंदर सुखू जी को देता हूँ, आपने मुझे सुना, आपका बहुत धन्यवाद, और पवन जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो शिमला आए और उन्होंने आज आशीष जारी की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक चार्जशीट जारी की गई है, सवाल चार्जशीट का नहीं है, सवाल पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्रदेश की जनता को लूटा, जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ, और जो धांधलियां खरीद रोकथ में हुई, उस संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये चार्जशीट लाई। जो भी गलत होगा, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, आज इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सब जेल की सलाखों के पीछे हो। कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है,
ईमानदारी में विश्वास रखती है। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को जयराम जी ये बताए, जेपी नड्डा जी ये बताए कि उनका इस्तीफा क्यों देना पड़ा। वो तो विधानसभा के स्पीकर थे, विधानसभा के स्पीकर के बाद उन्हें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इस्तीफा इसलिए लेना पड़ा कि जब समाज में एक ऐसी महामारी कोरोना के नाम से इस देश में फैली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय भी पैसे बटोरने में लगे हुए थे। जब पाया गया कांग्रेस पार्टी विधानसभा में आक्रमक हुई तो उनको इस्तीफा मजबूरी में देना पड़ा। मैं एक बात और आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के कार्यालय में भ्रष्टाचार की धूम नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करें कि किन फाइलों को आपने दबाया गया है। बिजली बोर्ड में एक क्षेत्र में अगर बिजली का मीटर लगाना हो तो 200 रुपया लगता है और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 500 रुपया लगता है। खेत करोड़ों की हुई है, धांधली भी करोड़ों की होगी मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सभी विभाग जो है, जितने भी विभाग, उन्होंने कहा है, मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा सबकी इंक्वायरी तो होगी ही होगी। इंक्वायरी के साथ 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 ही जेल की शाखों के पीछे भी मिनिस्टर से लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जयराम सरकार ने ये जो चार्जशीट में हमने आरोप लगाए हैं ये मात्र आरोप नहीं है, ये सत्य है। और सत्य बार बार झूठ बोलने से नहीं बदला जाता, जीत सत्य की ही होती है। जयराम सरकार की हालत तो वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इधर उधर की बातें करनी है, इधर उधर के कामों में ध्यान नहीं देना है। प्रशासनिक क्षमता की बहुत बड़ी कमी पाएगी इन 5 सालों में। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी होता है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी होता है, लेकिन जयराम सरकार में इन सब चीजों की कमी पाएगी। क्योंकि जयराम सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली की केंद्र सरकार के पास है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने 18 विधायकों को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जयराम सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के हमारे जो जगत प्रकाश नड्डा जी है उन्होंने 16 विधायकों को बदलना की जरूरत समझी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस समाज में समाज का कोई भी वर्ग खुश ना हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, उस समाज में जब 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने जाएंगे तो जिस समाज में अराजकता का माहौल होता है, वो उस अराजकता के माहौल में जो संघ जन सैलाब इस समय कांग्रेस के पक्ष में उभरा है, उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 12 नवंबर के मतदान के बाद हिमाचल प्रदेश में एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाएगी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूंगा कि आप ही राजनीतिक दबाव में ना रहकर कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी जो आप जैसी विचारधारा के लोगों को आगे लाती है, आम लोगों को आगे लाती है, जहां लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाती है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जैसी यात्रा करने पर मजबूर होते हैं, उसके पीछे का कारण जानिए। आज उस लोकतंत्र को कुचला जा रहा है जिस लोकतंत्र की मर्यादा के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज उस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो सबसे बड़ा अधिकार अब मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं,
लेकिन आने वाले समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां समाज के सभी वर्गों का आदर हो, जहां किसान का आदर हो, युवाओं को रोजगार देने की नीति आए, महिलाओं का आदर हो, दलितों का आदर हो, सब प्रकार का आदर हो। इसी संदर्भ में हमने 10 गारंटी योजना लाई है, जहां महिलाओं को 18 वर्ष की जब आयु पार कर जाएगी, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी होगी तो हम उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे और आजीवन देंगे। जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हम उसको पेंशन देंगे। और जो 60 साल से 80 साल की महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उनको भी एक समानता के तहत 1500 रुपया पेंशन देंगे। ओपीएस, ओपीएस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खुश करना चाहते हैं चुनाव में। हम जानते हैं कि इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज प्रदेश की विकास की इमारत अगर किसी ने लिखी है, उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर नंबर 2 स्थान पर पहुंचे हैं, तो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत पहुंचे हैं। उन्हें कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बुढ़ापे काल में ही सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी के जो अर्थशास्त्री है, नीति निर्धारक है, उन्होंने फैसला किया जिसके कारण राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गई है। हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि हम ओपीएस पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 60,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं यहाँ, 60,000 सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद पड़े हैं। उन 60,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा और 4,00,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं एक बात और बताना देना चाहता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना है और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बढ़ा है, इसमें 5 साल में सिर्फ 17,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कहां कहते हैं कि 1,00,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आप सूचना का अधिकार का प्रयोग करिए, पता लग जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सिर्फ 7,000 लोगों को रोजगार मिला और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, उन सब रिजल्टों पर JOIT से लेकर सब रिजल्टों पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। तो जिस मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता ना हो, जिस मुख्यमंत्री में फैसले लेने की ताकत ना हो, जिस मुख्यमंत्री की सरकार दिल्ली में बैठे हुए केंद्र के नेता चलाते हो, ऐसे मुख्यमंत्री को इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।